नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 3:10 दोपहर तक ही हैं, उसके बाद अष्टमी तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र अनुराधा 8:24 सुबह तक ही अनुराधा नक्षत्र हैं, जिसके स्वामी शनि हैं। उस उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा, जिसके स्वामी बुध देव हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में पूरे दिन रहेंगे। राहु काल आज का 7:38 सुबह से 9:11 सुबह तक रहेंगे। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं और 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। 8:24 तक समय आपका कहीं से अच्छा नहीं है, मन काफ़ी बेचैन रहेगा, काम धाम में भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। 8:24 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में। बुध आपके कुंडली में 6 स्थान पर बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। बैंक से कर्ज ले सकते हैं, दोस्तों से कर्ज ले सकते हैं, किसी से भी कर्ज ले सकते हैं आप। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, संतान पक्ष से अच्छे समाचार सुनने को जरूर मिलेंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 6 भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव से, तो लाभ तो होगा, लेकिन लाभ की स्थिति कर्ज के रूप में ही ज़्यादा होने की संभावनाएँ हैं। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि भाग्य भाव में रहेंगे और शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, ऐसे में आपको पार्टनर से काफ़ी लाभ मिलेगा, भाग प्रबल रहेगा, लेकिन मन थोड़ा बेचैन ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं, केतु भी शनि के नक्षत्र में है, तो मन सुस्त और बेचैन दोनों रहने की संभावनाएं आपका प्रबल है। 8:24 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। बुध आपके पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको धन लाभ होगा, संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भी पड़ रही है कर्म भाव से, तो काम धाम के सिलसिले में भी आपको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे आपको तकलीफ देने की स्थिति में है। सूर्य भी आपके कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र 6 स्थान में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दिल के रोगी जो हैं अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। दिन आज आपका अच्छा है, जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा ही फायदा होगा। आज के दिन आप बुध के ही मंत्रों का जाप करें या शुक्र के मंत्रों का जाप करें। शुक्र का मंत्र जाप करना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए है। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके 6 स्थान में बैठे हुए हैं, 8:24 तक चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। शनि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो 8:24 तक गाड़ी घोड़ा से सावधानी बरतें आप। शत्रु उपद्रव भी आज के दिन होगा, लेकिन संयम रखें। 8:24 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में। बुध आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, बुद्धि काफ़ी प्रबल रहेगी। बुध सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, काम धाम के सिलसिले में भी आपकी बुद्धि काफ़ी प्रखर रहेगी और काम धाम का भी आपको काफ़ी अच्छा स्थिति बन जाएगा 8:24 के बाद। सूर्यदेव आपके 3 भाव में बैठ के आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, तथा बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके बुध और मंगल पर पड़ रही है, तो दिन आपका 8:24 के बाद काफ़ी शानदार है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। आज के दिन आप बुध के मंत्रों का जाप करें तथा हरा चारा, हरा घास या पालक लाल गाय को खिलाएं, काफ़ी फायदा होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है आपका। चंद्रमा 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि आपके पार्टनरशिप हाउस में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप हाउस के स्वामी हैं, तो पार्टनर से थोड़ा लाभ ही होने की संभावनाएं हैं, तो पार्टनर से आज के दिन लाभ होगा।
8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके तीसरे स्थान में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो भाग्य भाव को देख रहे हैं। बुध आपके कुंडली में जो है चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, ऐसे में भाग्य भाव काफ़ी प्रबल होगा। आपको भाग्य से टूर से छोटे मोटे टूर होंगे आपके, छोटे मोटे यात्रा करेंगे, सारे यात्रा से आपको लाभ ही लाभ होगा। बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हुए हैं और नवम दृष्टि डाल रहे हैं आपके बुध और मंगल पर, तो अचानक लाभ और अचानक हानि की भी स्थिति बनी हुई रहेगी। थोड़ा सावधानी से काम लें, बुद्धि से काम लें, वाणी में कठोरता रहेगी, वाणी की कठोरता को दूर करें। आज के दिन आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम सोम चंद्राय नमः, ओम सोम चंद्राय नमः, तथा शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए विशेष हितकर होगा। दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में केतु के साथ बैठे हुए हैं। आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही है। 8:24 तक चंद्रमा रहेंगे आपके शनि के नक्षत्र में, शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह का कर्ज उर्ज लेना आज के दिन अच्छा नहीं होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। बुध आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो 8:24 के बाद धन का संग्रह आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता से काम आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। लेकिन साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं, मंगल आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके लग्न में बैठे हुए हैं। वाणी की कठोरता आपके बहुत सारे काम को बिगाड़ सकता है, तो वाणी की कठोरता को आप दूर करें। राहु आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, और दोनों एक दूसरे से आमने सामने बैठे हुए हैं। काम धाम में काफ़ी भाग दौड़ रहेगी, जिससे आप काफ़ी थकान महसूस करेंगे। आज के दिन आप सूर्य को ही जल चढ़ावें, कनेल का फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ावें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, बुध और मंगल दोनों आपके राशि पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं केतु के साथ, और 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में यात्रा प्रधान है, काफ़ी यात्रा हो सकती है, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ भी होगा, परंतु मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, अंदर से क्रोध ज़्यादा रहेगा। वाणी में तो सौम्यता रहेगी, लेकिन अंदर से क्रोध आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आँख में भी तकलीफ हो सकती है, पैर और पेट में भी तकलीफ की स्थितियाँ आपकी बनती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पे आप ध्यान दें तो ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। किचन में जाने से परहेज रखें, आग से परहेज रखें, बिजली का कोई भी काम करें तो ध्यान से करें, क्योंकि आज का दिन आपको थोड़ा सा मंगल का प्रॉब्लम है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं और 8:24 तक शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे। शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, परंतु माता से आपको लाभ भी होगा। आज धन संग्रह करने की स्थिति नहीं बनती है, धन संग्रह करना कम और खर्च की स्थिति आपकी ज़्यादा बनती है। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। ऐसे में धन की बर्बादी भी कुछ हो सकती है, फालतू का बहुत सारे सामान आप खरीद सकते हैं, जिससे धन की बर्बादी होगी और बचाए हुए धन में कमी हो सकती है। सूर्य आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं, सूर्य आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं और पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम स्थान पर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो आपके मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल बाढ़ में बैठे हुए हैं, तो आज के दिन विदेश से आपको फायदा हो सकता है, विदेश के काम से आपको फायदा हो सकता है। सूर्य आपके काम धाम के स्थिति को बढ़ा रहे हैं, काम धाम में आपकी प्रशंसा होगी, उच्च अधिकारी आपके प्रशंसा करेंगे। आज के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्रौम द्रीम द्रौम सत शुक्राय नमः, काफ़ी लाभ होगा आज के दिन। खर्च से बचे, जितना कम खर्च करेंगे थोड़ा खर्च से मानसिक परेशानी आपको होगी, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आपके राशि पे ही बैठे हुए हैं और शनि के नक्षत्र में, शनि तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। यात्रा का काफ़ी योग है, छोटा मोटा यात्रा होगा, यात्रा से आपको लाभ ही होगा। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में 8:24 तक रहेंगे, शनि आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो यात्रा से आपको लाभ होना तय है। शनि आपकी कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, तो आप यात्रा करें, यात्रा से लाभ होगा। 8:24 के बाद शनि चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध आपके एकादश स्थान में बैठे
बैठे हुए हैं, काफ़ी लाभ होने की स्थिति है, बुद्धि आपका काफ़ी प्रखर रहेगा और लाभ ज़्यादा होगा, लेकिन आप कुछ गजट के सामान खरीद कर, कुछ मोबाइल वगैरह, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने की योजना बना सकते हैं जिससे आपके धन के खर्च होंगे। आज के दिन आपके माता पिता की स्थिति बहुत अच्छी है, माता की स्थिति बहुत अच्छी है, पिता की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं तो थोड़ा मानसिक तनाव में आप रहेंगे, लेकिन दिन बहुत ही शानदार है आपका। आज के दिन आप केवल बुध के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, केतु के साथ और शनि के नक्षत्र में हैं, शनि के अनुराधा नक्षत्र में हैं और 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे में धन का खर्च होना काफ़ी लाजमी है, धन का काफ़ी खर्च होगा, जमा किए हुए पूंजी को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके बुध के नक्षत्र में और बुध आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति विदेश से काम करते हैं, जो व्यक्ति विदेश से डील करते हैं, उनके लिए 8:24 के बाद बहुत ही बेहतरीन समय है, विदेश से कार्य करने का अच्छा समय है। परंतु जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति स्कूल का काम करते हैं, जो व्यक्ति टीचिंग का काम करते हैं, उनके के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने हर काम को ध्यान से देखें और हर काम को ध्यान से करें। सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, भाग आपका तो काफ़ी प्रबल है, बृहस्पति की दृष्टि भाग भाव पर है तो भाग काफ़ी आपका प्रबल है। शुक्र आपके आय भाव में बैठे हुए हैं तो आय भी आपके अच्छे होंगे। कुल मिलाकर समय आज आपका मध्यम ही है, आँख में तकलीफ दिखलाई देती है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रमा आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में पूरे दिन एकादश स्थान में बैठे हुए रहेंगे। 8:24 तक चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे, शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शनि की सरसादी चल रही है तो 8:24 तक काफ़ी आलस रहेगा आपको, काफ़ी सोने का प्रोग्राम रहेगा आपका। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध हैं, बुध आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं तो 8:24 के बाद आपका काफ़ी भाग्योदय होगा, इनकम काफ़ी इनकम होगा, भाग से भी इनकम होगा, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो 8:24 के बाद दिन आपका बहुत शानदार है, परंतु पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानी दिखलाई दे रही है, पिता के स्वास्थ्य के परेशानी पर आप विशेष ध्यान दें। बृहस्पति देव आपके द्वितीय स्थान में बैठकर आपके संचित धन को बढ़ा ही रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। शनि की सरसाती है, शनि भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है तो आय तो होगा ही आपका। कुल मिलाकर दिन आज आपका 8:24 के बाद बहुत अच्छा है। आज के दिन आप शनि के मंत्रों का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, तथा बुध के मंत्रों का जाप करें, ओम ब्राम प्रीम प्रोम स बुद्धाय नमः, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में केतु के साथ बैठे हुए हैं और 8:24 तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे, शनि 12वें में बैठे हुए हैं तो विदेश से काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन घर में जो काम आप कर रहे हैं काफ़ी काम परिवर्तन करने का योग आपका है, काफ़ी काम परिवर्तन को कर सकते हैं, बिजनेस परिवर्तन करने का आपके विचार बहुत दिन से चल रहे हैं, आज के दिन बिजनेस परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस परिवर्तन करना है तो आज के दिन आप रुक जाएँ। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में, बुध भी आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो बुद्धि आपकी बहुत बहुत नए प्रोजेक्ट बनाने की होगी, लेकिन आज का दिन कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आज के दिन संयम रखें आप, संयम रखना ही आज के दिन अच्छा उपाय है आपका, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। शनि की सरसाती चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने में आपको काफ़ी लाभ होगा। शिवलिंग पर आज काला तिल और जल चढ़ावें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में, पूरे दिन भाग भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, भाग भाव को प्रबल कर रहे हैं। 8:24 तक चंद्रदेव शनि के नक्षत्र अनुराधा में रहेंगे और शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको लाभ होने की संभावना है, बहुत ही प्रबल है, काफ़ी लाभ होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद ही लाभ होगा, सुबह से ही आपको मेहनत करना होगा। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, ऐसे में किस्मत के सहारे काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं आपको हैं, काफ़ी लाभ होगा व्यापार में, काफ़ी लाभ होगा। जो आदमी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं मीन राशि वाले, उनको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं।
जिन व्यक्तियों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है यानी बुध के ही नक्षत्र में हुआ है, तो बुध उनके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप हाउस में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को मकान से काफ़ी लाभ होगा, जमीन से काफ़ी लाभ होगा, जमीन बिक्री करने वाले को आज के दिन काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। सूर्य आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य भी आपकी कुंडली में शुक्र के ही नक्षत्र में है, शुक्र आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिता के स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, शत्रु उपद्रव हो सकता है, विशेष करके महिलाओं से आज के दिन आप किसी तरह का बदतमीजी यानी या उनका अपमान न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन आप 1.25 किलो दही और चीनी महिला को दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में आज इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।